विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज तलब किया है। इसी सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला ईडी के दफ्तर भी पहुंचे। जिस मामले में पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को बुलाया गया वो 20 साल पुराना मामला है। दरअसल साल 2001 से 2012 तक फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे और इसी दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने तलब किया है। ईडी का कहना है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की धन संपत्ति को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और नजदीकी लोगों के निजी खातों में ट्रांसफर किया गया था। 2018 में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के तहत ईडी ने 2022 में ये मामला दर्ज किया था। एजेंसी के मुताबिक क्रिकेट एसोसिएशन के धन को जेकेसीए के पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षकारों के निजी खातों में हस्तांतरित किया गया था और निकाय के बैंक खाते से बिना कारण बताए नकदी भी निकाली गई थी। ईडी ने यह मामला सीबीआई द्वारा 2018 में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को भेजे गए नोटिस में उन्हें एजेंसी के श्रीनगर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा और ईडी के इस समन पर फारूक अब्दुल्ला अपने घर से निकलकर ईडी के दफ्तर जाते हुए भी नजर आए।